By the testimony of her cousin sister uh, Elizabeth. And uh, so we, 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 we found that on two counts it would be possible for her to believe. और हमने इस प्रकार से देखा कि ऐसे दो कारण थे जिसके द्वारा ही उसके लिए विश्वास करना संभव हो सकता था फर्स्ट दो ओल्ड एंड पास्ट द एज ऑफ चाइल्ड बेयरिंग और पहला कारण ये था कि भले ही एलिशिबा बुढ़ापे में आ चुकी थी और उस बच्चा जनने की उम्र को कई ज्यादा आगे पार कर चुकी थी age, और यहाँ तक कि अपने जवानी के दिनों में भी वो गर्भ धारण नहीं कर पाई क्योंकि वो बांझ थी he, लेकिन अब उसके पास एक गवाही है इन माई ओल्ड एज मेरे बुढ़ापे के दिनों में Who would have ever ई वुडसी के कौन ऐसा सोच सकता था कि मैं कभी गर्भ धारण करूंगी लेकिन परमेश्वर की योजना को याद रखिए। जिसने परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के के आने से पहले ही एक संदेशकर्ता को भेजा और एक ही उद्देश्य उसे दिया गया यीशु को इस संसार के समुख में प्रस्तुत कर एक मसीहा के रूप में एंड सो रीजन Why Mary could believe, और जो दूसरा कारण जिसके द्वारा मरिया विश्वास कर सकती थी गॉड्स मैसेज नथिंग इज इम्पॉसिबल विथ गॉड और वो था परमेश्वर का संदेश जो ये कहता था कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं दिस स्टेटमेंट वॉज वेरी सिंपल एंड स्ट्राइकिंग और ये जो वाक्य था ये तो बड़ा साधारण सा था लेकिन साथ ही साथ बड़ा ही गहरा एंड इट कुछ रिमेम्बर्ड टू और इसे बड़ी सीधी रीति से और आसानी से याद रखा जा so सकता है थॉट और यहाँ पर कौन सा विचार है जो हमारे साथ है गॉड expects अस टू बिलीव हिम एंड His पावर परमेश्वर ये चाहता है कि हम उस पर और उसके सामर्थ्य पर विश्वास करें रिगार्डलेस ऑफ सरकम और ये मायने नहीं रखता कि हमारी परिस्थितियाँ कैसी हैं एंड आवर फीलिंग्स ऑफ इन और हमारी वो भावना है कि हमारे हमारा कोई मूल्य ही नहीं इफ यू रीड द गॉस्पल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर फाइव वर्सेस ट्वेंटी टू फोर्टी थ्री और मार्किस रचित सुसमाचार उसका पांचवा अध्याय और इकतालीसवे वचन से लेकर 43वें वचन तक अगर हम पढ़ेजी वन टू फोर्टी थ्री और मैं कुछ सुसमाचार पांचवा अध्याय इक्कीसवे वचन से लेकर 43वें वचन तक जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठा हो गई वह झील के किनारे ही था कि ये नामक अराधनाल के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पाँव पर गिरा और यह कहकर उससे बहुत विनती करी कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है तू आकर उस पर हाथ रख कि वे चंगी होकर जीवित रहे okay,

और uh, और वो वो करता है कि वो जा आए और उसकी बेटी पर अपने हाथ रख कर प्रार्थना कर दे एंड जीसस एग्री और यीशु इस बात को तैयार हो जाता है बट ऑन हिज वे लेकिन अपने उस मार्ग में जाते हुए By two other needy people's approach to Jesus. और उसके घर जाते समय उस मार्ग में उसके जाने का यात्रा का जो समय था वो लंबा हो गया क्योंकि दो ऐसे और लोग थे जो बीच में यीशु से मुलाकात किए और एक स्त्री थी with a जिसका लहू बहने का बीमारी था 12 years, जो बारह सालों से लहू बहने की बीमारी से ग्रस्त थी और वो सिर्फ लहू बहता रहता था time, और इस समय तक अब तो वो सही रीति से चल भी And नहीं पाती थी, और वो एक अशुद्ध स्त्री थी And so was her. और हर एक बात उसके विरुद्ध कार्य कर so रहे और इसलिए उसका यीशु के निकट आना ने यीशु को वहां पहुंचने में देरी कर दी so सरदाजी uh, uh, और वो is... आराधनालय का सरदार जो येशु के पास आया वो जल्दबाजी कर रहा था और बार बार यीशु से ये कहता था कि स्वामी जल्दी कर मेरी बेटी मरने पर है एंड and then jesus told him और यीशु ने उससे कहा डोंट बी अफ्रेड घबरा मत जस्ट लेट्स गो आइए आ हम चलें and she left और वो बेटी जी नथिंग शैल बी इंपॉसिबल विद गॉड क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं नो वन हैज एवर रिटर्नड डिसअपॉइंटेड कोई भी प्रभु यीशु मसीह के पास से निराश होकर कभी नहीं निकला देखते हुए अड़तीसवा वचन इस प्रकार कहता है सर्वेंट ऑफ द लोड लेट इट बी टू मी अकोर्डिंग टू योर वर्ड एंडल

She was submissive to God's message. कि वो परमेश्वर के संदेश के प्रति समर्पित थे उत्तर उसका तुरंत और छोटा सा था एंड ये वॉज वेरी वेरी मीनिंगफुल लेकिन फिर भी वो बड़ा अर्थ के साथ था रिम्बर फॉर हर टू सबमिट

शादी शुदा शादी बिना शादी किए ही गर्भ धारण किए हुए है उसका परिणाम बहुत भयानक था क्योंकि उसे वैश्या कह करके वो लोग बुलाएंगे एंड शी वुड बी बी एन आउटकास्ट फ्रॉम देयर हर कम्युनिटी और अपने समाज से उसका घर निकाला हो जाएगा एन अनक्लीन पर्सन एक अशुद्ध नारी अ पर्सन हु ट uh, और एक ऐसी स्त्री जिसको कोई दूसरा छुए तक विल बी स्टोन टू डेथ और उसे पथराव के द्वारा मृत्यु का दंड दे दिया जाए कॉन्सिक्वेंस ये वो परिणाम थे Do you think she did not know all this? क्या आपको पता लगता है कि उसे ये सब नहीं पता था? I believe she knew. मुझे विश्वास है कि उसे ये सारी बातें पता थीं. But in spite of all that. लेकिन ये सारा जानते हुए since भी. Since the message came from the Almighty God through an angel. क्योंकि वो संदेश उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के द्वारा एक स्वर्गदूत से उस तक आया. She completely surrendered herself to the Lord's will. तब उसने संपूर्ण रीति से अपने आप को परमेश्वर की इच्छा में समर्पित कर दिया।

और जो इसका यूनानी शब्द डाउले है इसका मतलब है एक महिला या स्त्री जो दासी है लॉर्ड uh, जीसस और इसी रीति से मरियम ने खुद को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित कर दिया कि मैं तो एक बे am, लड़की हूं और मैं एक दासी नारी और मैं उस, उस प्रभु यीशु मसीह की दासी हूँ। शी वाज विलिंग टू सेल Herself completely to God और वो तो तैयार थी कि पूर्ण रीति से परमेश्वर के लिए और परमेश्वर को खुद को बेच दे एंड शी वुड नॉटPossess herself और वो खुद को अपने आप अप, अपने आप पर अपना कोई कब्जा ना रखे दैट वाज द काइंड ऑफ सबमिशन विद विच शी surrendered herself और इस प्रकार के समर्पण के साथ उसने खुद को परमेश्वर को समर्पित so कर दिया और ये वो पहली बात है जिसे हम यहाँ पर देखते हैं said, servant, जब उसने कहा तेरी दासी the word used is doulos जो, जो शब्द यूनानी भाषा में प्रयोग किया गया the है सेकंड वो है डूलोस और वो जो दूसरी बात यहाँ पर हम देखते हैं गॉड्स वर्ड वाज हर विल कि परमेश्वर का वचन उसकी इच्छा बन गई She would serve as God -willed. और वो सेवा करेगी वैसे ही जैसे परमेश्वर इच्छा करता है what what it meant to her? और देखिए ये इस बात उसके लिए क्या मायने रखती थी मैन टू हर रेप्यूटेशन उसका मतलब था कि उसकी प्रसिद्धि के ऊपर प्रभाव पड़ेगा which I have mentioned.

एंड बींगे इस प्रकार से कहा जाएगा और ये उपाधि दे दी जाएगी की गैर शादी शुदा माँ है और ये था जो उठाना आसान नहीं था जोसेफ डिस्कवरी ऑफ हर प्रेगनेंसी और यूसुफ ने जब उसके गर्व के विषय में जाना वट इज मे इसका क्या मतलब है थ्रेट ऑफ बी Condemned इसका, to मतलब death. इसका मतलब ये था कि उसके पास भी ये धमकी और ये भयानक प्रस्तुति थी कि उसे भी मृत्यु का दोष दिया जाए। she was to be और क्योंकि वो मरियम तैयार थी अपने आप को उपलब्ध करानी इस मायने को ना इस मायने को ध्यान ना रखते हुए कि क्या दाम उसे चुकाना है Consider my friends, many of us are, uh, uh, not surrendered surrendered or completely the way Mary surrendered herself। में से कईयों ने सौ प्रतिशत रूप से या संपूर्ण रीति से खुद को समर्पित नहीं किया है Why? जिस रीति से मरियम ने किया losing.

रिचेस और सम कंफर्ट ऑफ दिस वर्ल्ड जब आपके सामने ये चुनाव है कि आप परमेश्वर और उन सारी बातों के बीच में चुनाव को कर सके What kind of faith you will exercise? तब किस प्रकार के विश्वास को आप दिखाएंगे? Consider this again about Mary. और मरियम के विषय में इस बात को फिर से सोचिए. Surrender to God is an absolute necessity. और परमेश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पित रहना एक बड़ी बड़ी और बड़ी मुख्य आवश्यकता है और साथ, हमारे उधार के लिए, और साथ ही साथ उसके पश्चात परमेश्वर की सेवा करने Both के बोथ रिक्वायर्ड कंप्लीट सरेंडर दोनों ही बातों के लिए एक संपूर्ण समर्पण की आवश्यकता है मेरी इस

एंड वेरी हार्ड डिसीशन ताकि हम सबसे महत्वपूर्ण और सबसे कठिन निर्णयों को ले सके और इसलिए आज की सुबह में प्रार्थना करमा हमारे जीवनों पर आकर हम प्रवास करने पर एंड यू फाइंड यूर सेल्फ टू बी एबल टू मेक दिसन फॉर द ग्लोरी एंड ऑनर

इन ऑर्डर टू फॉलो है और हम क्या दाम चुकाने के लिए तैयार हैं ताकि उसके पीछे चलने पाएं। God bless you. आप Have a great day. एक अच्छा दिन आपका भी in Jesus name. के नाम में Amen।, Amen.